इन दिनों राजस्व विभाग कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में कंप्यूटर ऑपरेटर और बाबू खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। राजस्व संबंधित कार्य के लिए बिना रिश्वत दिए कार्य नहीं होते, ऐसा ही एक मामला बागली अनुविभाग के तहसील हाटपिपलिया का सामने आया है, जहां पर शिकायतकर्ता गणेश जाट निवासी हाटपिपलिया ने EOW उज्जैन पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी को शिकायत की थी कि जमीन नामांतरण और बंटवारे के लिए हाटपिपलिया तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, जो तहसीलदार के रीडर का काम भी देखता है, के द्वारा 10,000 रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार 5 माह पूर्व तहसील में नामांकन व बंटवारे के लिए आवेदन किया था। लगातार कार्यालय के चक्कर लगाने पर ऑपरेटर सचिन का कहना था कि बिना रिश्वत दिए कार्य नहीं होगा। शिकायत पर तत्काल गुरुवार को कार्यवाही करते हुए EOW निरीक्षक अजय कैथवास द्वारा आरोपी सचिन विश्वकर्मा को मौके पर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। रोल सर, क्या नाम है सर आपका? गणेश जाट। किस गांव के? सर डिगोत का रहने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे शिकायत की, क्या मामला आया? सर ये मेरा नामांतरण रजिस्ट्री नामांतरण था, एक बंटवारा था। मैंने कई बार इनको बोला, सभी को बोला, लेकिन ये पैसे के बगैर हाई नहीं कर रहे। फिर मैंने कल मेरे सचिन बाबू जी से बात हुई, जिन्होंने कल 2,000 रुपये देने को बोला था मुझे। बोले 2,000 रुपये दे जाना, बाकी के 8 तारीख को दे जाना। आज मेरी बेची थी, इस विषय में मैंने फिर 10,000 रुपये की व्यवस्था की दूसरों से, और यहाँ पे 10,000 रुपये सचिन बाबू जी को दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये सचिन बाबू जी को रंगे हाथ टीम ने पकड़ा। कितने दिन से प्रयास में? सर 4-5 महीने से परेशान हूँ। शिकायत आपने कहाँ पे की थी? परसों की, आज टीम आ गई। आपने पैसे किसके नाम से जैसे मंगे आपसे? तो सर सचिन बाबू जी ने, इन्होंने बोला। गणेश जाट जो हाटपिपलिया के गांव के निवासी हैं, उनके 3 प्रकरण, एक बंटवारे का और 2 नामांतरण के यहां पे पेंडिंग थे। विगत 4-5 माह से लगातार वो यहां पे चक्कर लगा रहा था, किंतु उसके जो आवेदन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बार बार चक्कर लगाने पर उसको यहाँ पर जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, उसके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, और उसके काम को तभी होना बताया गया जब वो रिश्वत के 10,000 रुपये दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसका काम नहीं किया जाएगा। परेशान होकर उसने EOW उज्जैन के SP श्री दिलीप सोनी साहब को आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया कि सचिन के द्वारा उक्त तीनों नस्तियों के निराकरण हेतु 10,000 रुपये के रिश्वत की मांग की जा रही है। जब ये पूरा तस्दीक हो गई तो उसके पश्चात हमने फरियादी और आवेदक श्री गणेश जाट को फरियादी को 10,000 रुपये के नोट देकर यहाँ पे रवाना किया। विधिवत उसने रिश्वत ग्रहण करी। ग्रहण करने के पश्चात हमारे साथ 2 साक्षी राजपत्रित अधिकारी श्री मकासरे और श्री विष्णु दीक्षित जी आए हैं। उनके समक्ष पूरी कार्रवाई की गई, उसके हाथ लाल हुए, नोट बरामद हुए, और जो पैंट में उसने पैसा रखा था वो पैंट भी बरामद हुई। वो सभी में केमिकल लगा होने से उनके रंग लाल हो गए। पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और रिश्वत के 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी सचिन विश्वकर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। अभी फिलहाल उसको हमने जमानत पर छोड़ दिया। आगे पूछताछ होगी और विवेचना की जाएगी। विवेचना में जो भी और तथ्य आएंगे उसके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।